आज मैं आपसे बहुत ही क्रिस्पी चटपटी रोस्टेड चिड़वा नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आप स्नैक्स में चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इसको सफर में भी ले जा सकते हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे हम बिना तले बनाएंगे और एक बार बना लेंगे तो आप इसको 2-3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, पर ये इतनी चटपटी और खाने मजेदार लगती है कि आप इसको कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे। ये रोस्टेड प्रोटीन और आयरन से भरपूर नमकीन आपने एक बार बना लिया तो आप बाजार से लाना ही भूल जाएंगे। आइए देखते हैं इस रोस्टेड चिड़वा नमकीन की रेसिपी। चिड़वा बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस की फ्लेम पे कढ़ाई गर्म होने को रखी है। इसमें हमें ये पतला वाला पोहा डालना है। तो ये पतला पोहा थिन पोहा के नाम से पैकेट में आसानी से मिल जाता है। जो मोटा वाला पोहा आता है वो आप इसमें ना लें। इसे हम कढ़ाई के अंदर डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। इसको चलाते रहे और इसको रोस्ट करते रहे। इसमें हमें बिल्कुल भी घी तेल डालने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही इतना पतला होता है कि बस 3-4 मिनट में ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पोहे को 3-4 मिनट बस रोस्ट किया है और ये काफी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसको एक अलग प्लेट के ऊपर निकालेंगे और उसी कढ़ाई में हमें डालना है 2-3 बड़े चम्मच घी या तेल। तो मैं यहाँ पे घी का यूज कर रही हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हमें इसमें आधा कप मूंगफली के दाने डाल देने हैं। तो ये मैंने आधा कप मूंगफली इसमें डाल दिया है। हमें इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता और इसमें से हल्की सी चटकने की आवाज नहीं आने लगती। तो मूंगफली देखिए यहाँ पे अच्छे से भुन गए हैं। अब हमें इसके अंदर काजू डालना है। तो यहाँ पे मैं आधा कप काजू डाल रही हूँ और साथ ही में 1/4 कप मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ। मैंने इसको साबुत डाला है, आप चाहें तो इसको काट कर भी डाल सकते हैं। बादाम और काजू डाल के भी हमें इसको 2-3 मिनट अच्छे से भून लेना है। फिर हमें इसके अंदर डालना है ये नारियल को मैंने अच्छे से काट लिया है। ये सूखा नारियल है, तो इस तरह से आप इसको पतले पतले टुकड़ों में भी काट कर डाल सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें डालना है खरबूज के बीज, जिसे मजक भी कहते हैं। तो ये मैं करीब 1/4 कप ले रही हूँ। गैस की फ्लेम को इस वक्त एकदम धीमी पर रखें और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप तिल। सफेद तिल डालने के बाद हमें इसमें डालना है कुछ कड़ी पत्ते। तो ये कड़ी पत्ते की सूखी पत्तियां हैं थोड़ी मेरे पास, तो ये हम इसमें 10-15 कड़ी पत्ते डाल देंगे। और साथ ही में ये मैंने हरी मिर्च ली है बारीक काट के एकदम, और इसकी मैंने एकदम से निकाल दिए ताकि इसमें नमी ना रहे, क्योंकि हम इस नमकीन को लंबे समय तक स्टोर करेंगे। साथ ही में हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देना है। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि ये कड़ी पत्ते और हरी मिर्च जो है वो अच्छे से भूनकर क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो इसे 3-4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए चलाते हुए। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे। तो मैंने 10-15 किशमिश लिए हैं, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही में 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है मैंने, और 1/2 छोटी चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, साथ ही में 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल ले, और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी का पाउडर लिया है, इसे जरूर डालें। और साथ ही में मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है 1/2 छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ का पाउडर लिया है, इससे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप ये सारे मसाले इस चिड़वा में ज़रूर डालिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये जो हमने पोहा रोस्ट करके रखा है ना, ये अब हमें इसके अंदर डाल देना है और हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। मसाले डालते वक्त आप गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं, या फिर आप जब पोहा डालें तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि जो सारे मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के साथ और पोहे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अभी हमारा चिड़वा नमकीन बनकर तैयार है। बहुत ही फटाफट सी रेसिपी है और एक भी चीज हमने इसमें फ्राई नहीं की है। तो इस तरह से आप भी रोस्टेड चिड़वा घर में जरूर बनाइए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। तो एक तरह से ये बहुत ही हेल्दी प्रोटीन्स और आयरन से भरपूर स्नैक्स की रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को घर में बनाकर जरूर से स्टोर कीजिए। इसे आप 3-4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे के अंदर। इसको ठंडा होने के बाद आप किसी भी जार में भरकर रख लीजिए। आप इसको बनाकर सफर में भी ले जा सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लगते हैं खाने में। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रोस्टेड चिड़वा की रेसिपी, हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।